नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि शिक्षा विभाग की तरफ से सातवें चरण की तैयारी चल रही है, उसको लेकर शिक्षा विभाग ने सभी DO और DPO से सातवें चरण को रिक्ति मांगी है हर एक जिला से। तो कुछ जगह का अपडेट आया है मेरे पास, जो कि आज इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कहाँ कहाँ का है, क्योंकि हर एक वीडियो हर एक न्यूज़ पे आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि आपको अपने ज़िले से मतलब नहीं है, हर एक ज़िलों में भी फॉर्म आपको अप्लाई करना होगा। और इस बार फॉर्म थोड़ा सा सिंपल है कि घर बैठे कंप्यूटर से आप सारा सिस्टम घर बैठे सारे नियोजन इकाई में फॉर्म डाल सकते थे। पहले तो था कि खर्चा था, उस ज़िले में जाने में टाइम भी मरता था, अब वो सारा सिस्टम नहीं है। तो चलिए, इस वीडियो में आपको हम यही समझाने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट का, किस कैटेगरी का कितनी सीटें हैं, वो A to Z इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं। प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात रिक्त पदों का विषयवार एवं कोटिवार विवरण है। ये जो सातवें चरण का रिक्ति है, जिला समस्तीपुर का और प्रखंड है हसनपुर, वर्ग 6 to 8 के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं क्रम संख्या है, नियोजन इकाई का नाम है, विषय है UR, URF, BC, BCF, EBC, EBC फीमेल, SC, SC फीमेल, ST, STF, RF, EWS, EWS फीमेल, टोटल यहाँ पे दर्शाया गया है। तो यही बात करें, इसमें प्रखंड नियोजन इकाई हसनपुर है, इसमें विज्ञान एवं गणित की 3 सीटें टोटल हैं, लेकिन किसका है, EBC फीमेल का 1 सीट है, SC फीमेल का 1 सीट है और STF का 1 सीट है। ना ही इसमें URF का सीट है, ना ही URF का सीट है, ना ही BC का है, ना ही BCF का है। अगर बात करें तो ये चारों कैंडिडेट आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ये UR फीमेल, BC फीमेल। सबसे ज़्यादा अगर लड़ाई माथा फट्टी कहीं होता है तो इसी चारों में होता है, और इसी चारों का सीट यहाँ पे नहीं है। फिर यहाँ पे सीटें देखिएगा, खाली का खाली रह जाएगा। वहीं दूसरे नंबर पे सामाजिक विज्ञान की बात करें तो ये पूरा नील है, सिर्फ SC फीमेल का 1 सीट है, वो भी 1 सीट है, बाकी सब नील है। वहीं हिंदी की बात करें तो UR 0, URF 0, BC 0, BCF का 1 सीट आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, EBC का सीट नहीं है, EBC फीमेल का 1 सीट है, SC का 1 सीट है, 2 सीट SCF का है, ST का 1 भी नहीं है, STF फीमेल का 1 सीट है, RF का यहाँ पे 1 सीट है, बाकी टोटल सीट की बात करें तो टोटल सीटों की संख्या 7 यहाँ पे दर्शाया गया है। वहीं अंग्रेजी में बात करें तो अंग्रेजी का आप देख सकते हैं 0 0 0, 1 BC फीमेल का है 0, 1 सीट EBC फीमेल का है 0, 1 सीट SCF फीमेल का है, यानी कि फीमेल का आपको SCF का हर एक जगह देखने को मिल सकता है, बाकी सीटें खाली हैं, यानी कि टोटल सीटों की संख्या बात करो तो 3 सीटें हैं। वहीं संस्कृत की बात करें तो UR का 1 सीट दिया गया है, क्योंकि शायद संस्कृत का UR का 6ठा चरण में नहीं मिला होगा तो उसको 7वें चरण में जोड़ा गया होगा। UR फीमेल की बात करें तो यहाँ 1 सीट है, BC का नहीं है, BC फीमेल की बात करें तो यहाँ भी नहीं है, EBC की बात करें तो यहाँ भी नहीं है, EBC फीमेल की बात करें तो यहाँ भी नहीं है, SC का 1 सीट है, SC फीमेल का 2 सीट दिया हुआ है संस्कृत का, बाकी सब नील नील बटा 0 सन्नाटा, यानी कि टोटल सीट संस्कृत में 5 सीट हैं। वहीं उर्दू की बात करें तो UR का सीट नहीं है, लेकिन UR फीमेल का 4 सीट आपको यहाँ पे दर्शाया गया है, 1 सीट BC का है, BCF का 0 है, EBC का 0 है, EBC फीमेल का 1 सीट यहाँ पे दर्शाया गया, SC का 0 0 0 0 बट्टा सन्नाटा यहाँ पे देख सकते हैं, टोटल 6 सीटें हैं। वहीं कुल बात करें तो UR का 1, URF का 5, BC का 1, BCF का 2, EBC का 0 है, EBSC फीमेल का 2-4 सीटें हैं, SC का 2 सीटें हैं, SCF फीमेल का 7 सीटें हैं, ST का 0 है, STF का 2 सीट हैं, RF का 1 सीट है, टोटल 25 सीट आपको 6 to 8 हसनपुर को देखने को मिलेगा। वहीं 1 to 5 की बात करें तो यहाँ पे आ जाइए, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन 2019-20 अंतर्गत नियुक्ति के पश्चात रिक्त पदों का विषय बारे एवं कोटिवार विवरण प्रखंड हसनपुर, वो 6 to 8 का था, वो 1 to 5 का है, जिला समस्तीपुर। अब देखिए मेन लड़ाई यहाँ पे है, किसके किसके सीटें कहाँ पे जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नियोजन इकाई हसनपुर की बात करें, प्राथमिक नियोजन इकाई, UR का 1 भी सीट नहीं, UR फीमेल का 2 सीट, BC का नहीं, BCF का 6 सीट है, EBC का 1 सीट है, EBC फीमेल का 8 सीट है, SC का 1 सीट है, SCF फीमेल का 8 सीट है, ST का नहीं है, ST फीमेल का नहीं है, ST फीमेल का 1 सीट है, RF का 2 सीट है, EWS का नहीं है, पुरुष का नहीं है, UWS फीमेल का 3 सीट है, यानी कि टोटल 32 सीट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हसनपुर का। वहीं पंचायत नियोजन इकाई परिद्ध की बात करें तो URF का 2 सीट हैं, BCF का 2 सीट हैं, EBCF का 2 सीट हैं, SC का 1 सीट है, SCF का 2 सीट हैं, STF का 0 है, RF का 1 सीट है,
टोटल 10 सीटें आपको यहाँ पे हैं। वहीं पंचायत नियोजन इकाई नकुनी की बात करें तो यूआर फीमेल का एक सीट, बीसी फीमेल का एक सीट, ईबीसी फीमेल का एक सीट, बाकी सीट आपको एक ईडब्ल्यूएस फीमेल का सीट आपको देखने को मिल रही है, यानी कि टोटल 4 सीट यहाँ पे है। वहीं अहिलावार का देखें तो एक सीट आपको एससी फीमेल का देखने का मिलेगा, यानी कि टोटल एक सीट है। वहीं बड़गामा की बात कर ले तो एक सीट एससीएफ का है, फिर और कहीं नहीं है। फिर वहीं पड़ोसिया की बात कर ले तो यूआरएफ का 2 सीट, बीसीएफ का 1 सीट, ईबीसी फीमेल का 2 सीट, एससी का 1 सीट, यानी कि टोटल सीटों की संख्या 6 है। वहीं हसनपुर की बात कर ले तो एक सीट ईबीसी का है, एक सीट एससीएफ का है और एक सीट ईबीसी फीमेल का। ओवरऑल बात करें तो फीमेल की यहाँ पे सीटों की संख्या अधिक देखने को मिल रहा है, यानी कि फिर सीट खाली जाएगी। वहीं नयननगर की बात करें तो 2 सीट फीमेल का है, 1 सीट एससी फीमेल का है, 3 सीट टोटल आपको यहाँ पे दिखाया गया है। शासन की बात करें तो यहाँ पे नील है, कहीं सीट नहीं है। भटवन की बात करें तो 3 सीट यूआर फीमेल का है, 1 सीट बीसी फीमेल का है, 1 सीट एससी का है, एससी वन का 1 सीट है, यानी कि टोटल सीटों की संख्या 6 हैं। वहीं देवधा की बात करें तो 1 सीट आपको एससी फीमेल को मिलेगा, बाकी कुछ नहीं है। वहीं मंगलगढ़ की बात करें तो ईबीसी का 1 सीट है और कहीं नहीं है। वहीं बसंतपुर की बात करें तो यूआरएफ का 2 सीट है, बीसीए फीमेल का 1 सीट है, ईबीसी फीमेल का 1 सीट है, एससी का 1 सीट है, एससीएफ का फीमेल का 1 सीट है, यानी कि टोटल 6 सीटें हैं। ध्यान से देखिएगा, इसी सीट के अनुसार आपको फॉर्म भरना है, ये नहीं देखिएगा तो आप फॉर्म नहीं भर सकती। उजागर की बात करें तो एससी फीमेल का 1 सीट है, बाकी कहीं नहीं है। वहीं रजवा की बात करें तो 1 सीट ईबीसी फीमेल का, 1 सीट एससी फीमेल का है। वहीं मौजी की बात करें तो 1 सीट यूआरएफ फीमेल का है और 1 सीट आरएफ का है, बाकी पुरुष की तो सीटों की संख्या लग ही नहीं रहा। वहीं दूधपुरा की बात करें तो 1 सीट आपको यूआरएफ फीमेल का, 1 सीट बीसी फीमेल का, 1 सीट ईबीसी फीमेल का, 1 सीट एससी का, 2 सीट एससी फीमेल का, 1 सीट आपको ईडब्ल्यूएस का फीमेल मेल का दिया हुआ है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे आके 1 सीट आपको फीमेल मेल का मिला हुआ है। औरा की बात करें तो 2 सीट यूआरएफ फीमेल का, 1 सीट बीसी फीमेल का है और कहीं सीटें नहीं है। वहीं शकरपुरा की बात करें तो 1 सीट यूआरएफ फीमेल का है, 1 सीट ईबीसी फीमेल का है, 1 सीट आपको पुरुष को यहाँ पे एससी का देखने को मिल रहा है, बाकी कहीं सीट नहीं है। वहीं कुल की बात करें तो यूआर फीमेल का, यूआर का 1 भी सीट नहीं है, यूआर फीमेल का 17 सीट है, बीसी मेल का कोई सीट नहीं है, बीसी फीमेल का 16 सीट है, ईबीसी का 3 सीट आपको यहाँ पे दिख सकता है, ईबीसी फीमेल का 18 सीटें हैं, एससी का 7 सीट है, एससी फीमेल का 20 सीटें हैं और एसटी का 1 भी सीट नहीं है, एससी फीमेल का 1 सीट है, एआरएफ का 4 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 1 सीट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 5 सीट है, टोटल 92 सीट है। यानी कि ओवरऑल कहे तो पुरुष का फिर महामारी आपको दिखने को मिल रहा। वहीं उर्दू की बात कर ले, हसनपुर उर्दू की 1-5 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है, लास्ट पेज आपको हम दिखा देते हैं, बता देते हैं। यूआर फीमेल का फिर देखिए 11 सीट सबसे अधिक है, लेकिन यूआर का 1 भी सीट नहीं है, बीसी का 3 सीट, बीसी फीमेल का 3 सीट, ईबीसी फीमेल का 4 सीट, एससी का 3 सीट, एससी फीमेल का 4 सीट है, बाकी आरएफ का 1 सीट है। ईडब्ल्यूएस के लिए खुशखबरी है कि यहाँ पे 2 सीट आपको दर्शाया गया है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 1 सीट है, टोटल 32 सीट आपको यहाँ पे दर्शाया गया है। वहीं नकुनी की बात करें तो 1 सीट है, बाकी कहीं नहीं है। अलवर की बात करें तो 1 सीट ईबीसी फीमेल में है, बाकी कहीं नहीं है। बड़गामा की बात करें तो कहीं नहीं है। हसनपुर की बात करें तो 1 सीट एससी का है और कहीं नहीं है। नयानगर की बात करें तो यूआरएफ फीमेल का 1 सीट है और कहीं नहीं है। वहीं भटवन की बात करें तो एक है यूआर फीमेल का और कहीं नहीं है, एक ही है भटवन का नहीं, एक यहाँ पे ईबीसी फीमेल का है, यानी कि 2 टोटल सीटें हैं। देवधा की बात करें तो 1 सीट फीमेल का है, 1 सीट एसीएफ का है और कहीं नहीं है। बसंतपुर की बात करें तो 1 सीट यूआरएफ फीमेल का है, 1 सीट बीसी फीमेल का है और कहीं नहीं है। वहीं उजागर की बात करें तो नील है। रजवा की बात करें तो यूआर फीमेल का 2 सीटें हैं और कहीं नहीं है। दूधपुरा की बात करें तो 1 सीट आपका बीसी के है, 1 सीट आरएफ का और कहीं सीटें नहीं है। वहीं फुलवारा की बात करें तो 1 सीट ईबीसी का है और कहीं नहीं है। और यहाँ पे देवड़ा की बात करें तो 1 सीट ईडब्ल्यूएस फीमेल का है। यानी ओवरऑल का बात करें तो कुल पंचायत नियोजन इकाई का यूआर मेल का 1 भी सीट नहीं, यूआर फीमेल का 18 सीट है, बीसी का 4 सीट है, बीसी फीमेल का 4 सीट है, ईबीसी का 1 सीट है, ईबीसी फीमेल का 6 सीट है, एससी का 5 सीट है, एससी फीमेल का 5 सीट है, आरएफ का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस का 2 सीट है, ईडब्ल्यूएस फीमेल का 2 सीट है, यानी कि टोटल 49 सीटें आपको यहां पे देखने को मिल सकता है। तो समस्तीपुर जिला का अपडेट हमने आपको दिया दोस्तों, और भी किसी जिले का अपडेट आता है तो वो भी अपडेट से हम आपको रूबरू जरूर कराएंगे। और ऐसे ही रिक्ति पाने के लिए आप हमारे चैनल पर बने रहें, और जो लोग मेरे ग्रुप में ज्वाइन नहीं किए हैं एक बार ग्रुप को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।